Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So if you have any problem regarding yesterday's takeaway points or notes or any topic, you can ask me. Kisi ko koi problem ho, kal jo humne padha tha usme, to puch sakte hain aap log. No, ma'am, no problem. Okay. The paintings of Mughal period. Abul Fazl described painting as a magical art, but the production of painting was largely criticized by the ulama, as it was prohibited by the Quran as well as by the Hadith. ये हमने कल पढ़ा था कि कैसे अबुल फाजल ने describe किया था कि painting जो है वो एक magical art है, लेकिन उलामा और उलामा वाले जो scholars हुआ करते थे और Hadith जो थे वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे. उनका कहना, उनका सोचना मानना ये था कि ये एक क्रिएट करना, जिंदगी को क्रिएट करना और देना, ये सब ऊपर वाले की देन है और कुरान में इसको मना किया गया है और इसको नहीं करना चाहिए. अब है द आइडल किंगडम्स ऑफ मुगल एम्पायर. ईरानियन सूफी थिंकर सुहरावर्दी डेवलप द आइडिया दैट देयर वॉज अ हायरार्की इन विच द डिवाइन लाइट वॉज ट्रांसमिटेड टू द किंग हु देन बिकम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट्स. अब क्या था यहाँ पर, ईरानियन सूफी थिंकर जो थे सोहरावर्दी, उन्होंने ये आइडिया डेवलप किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये ऊपर वाले की देन होती है जो राजा को एक आध्यात्मिक दैवीय शक्ति जो है वो प्रदान करती है राजा को, और फिर बाद में राजा जो है एक आध्यात्मिक गाइड की तरह काम करता है अपनी प्रजा के लिए. द मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बिगेन टू पोर्ट्रे एम्परर वेयरिंग द हालो टू सिम्बलाइज द लाइट ऑफ गॉड. इसको ध्यान में रखेंगे कि जो मुगल आर्टिस्ट थे उन्होंने 17th सेंचुरी से शुरू कर दिया था, जो एम्परर थे वहां उनको इस तरीके से दिखाना शुरू कर दिया था पेंटिंग्स वगैरह में कि इनके पेंटिंग्स के पीछे हालो बनाया जाता था जो कि एक जो भगवान के या अल्लाह के या जो गॉड है उनके पीछे जो रोशनी बनाई जाती है, सन जैसे एक वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है उसको बोलते हैं हालो. वैसे ही ये एम्परर के पीछे भी पोर्ट्रे करने लग गए थे. अबुल फाजल डिस्क्राइब द आइडियल ऑफ सुलेकुल एब्सोल्यूट पीस एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल. अबुल फाजल जो है उन्होंने सुलेकुल को एक पूरी तरीके से शांति, सुलेकुल का मतलब होता है पूरी तरह से शांति का प्रतीक माना है. ये एक किसी भी अच्छे रूल के लिए, किसी भी राजा को अगर रूल करना है किसी भी किंगडम के अंदर तो उसके यहाँ शांति होना बहुत जरूरी है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती थी. ये अबुल फजल ने डिस्क्राइब किया है. In Sulaykul, all religions and school of thought had freedom of expression, but they did not undermine the authority of state or fight among themselves. Sulaykul के अंदर सारे धर्म और सारे स्कूल जो है उनको फ्रीडम है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ एक चीज है कि वो जो अथॉरिटी है स्टेट की उसको अंडरमाइन नहीं करें, उसको नीचा नहीं दिखाएं, उसको छोटा नहीं करें या उसकी परवाह नहीं करें, ये सब नहीं होना चाहिए और ना ही आपस में लड़ें. अकबर अबॉलिश द डिस्क्रिमिनेटिंग पिलग्रिमेज इन टैक्स इन 1563 एंड जिजिया इन 1564. अकबर ने हटा दिया था जो तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगता था 1563 में, और जिजिया जो था उसको हटा दिया था 1564 में. अबुल फजल डिफाइन सोवनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द एम्परर प्रोटेक्टेड लाइफ प्रॉपर्टी ऑनर एंड फेथ इन रिटर्न डिमांडेड ओबीडियंस एंड अ शेयर ऑफ रिसोर्सेज. अबुल फजल ने डिस्क्राइब किया था सोवनिटी को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जो एम्परर जो है उसके बीच में और उसके सब्जेक्ट के बीच में, जिसमें एम्परर जो है आपकी जिंदगी की, आपकी प्रॉपर्टी की और आपके ऑनर और फेथ की रक्षा करेगा, और इसके बदले में आपको एम्परर के प्रति ओबीडियंट रहना है और अपने रिसोर्सेज जो है शेयर करने हैं. Then, capital and courts of the Mughals. The capital cities of Mughals frequently shifted during 16th to 17th century. अब capital cities जो थी मुगल की वो लगातार बदल रही थी, 16th से 17th century में change हो रही थी. अब बाबर took over the लोधी capital of आगरा. बाबर ने लोधी capital of आगरा जो उस पर change कर दिया था उसको. In 1570, अकबर decided to build a new capital, Fatehpur Sikri. 1570 में अकबर ने डिसाइड किया था कि वो नई कैपिटल बनाएंगे और वो थी फतेहपुर सीकरी. अकबर कमीशन्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइट मार्बल टूम फॉर शेख सलीम चिश्ती एट सीकरी. ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा हियर आफ्टर द विक्ट्री इन गुजरात. अब अकबर ने वहां पर वाइट मार्बल का टूम बनाने के लिए भी
बोला था उनको कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए बोला था, और उसके बाद में किसके लिए बनवाया था, शेख सलीम चिश्ती के लिए बनवाया था सीकरी में, और उसके बाद बुलंद दरवाजा भी बनाया जब उनको जीत हासिल हो गई थी गुजरात में। इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि पहले के जमाने के लोग किसी पे जीत हासिल कर लेते थे तब भी उसके ऑनर में वो कुछ चीज बनवाते थे, बिल्ड करवाते थे, और साथ साथ अगर किसी को वेलकम करना होता था या किसी की याद में बनवाना होता था तब भी वो इस तरह की चीजें करते थे। ठीक है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, देन इन 1585 द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू लाहौर टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रोल एंड टू वॉच द फ्रंटियर। इसको याद रखेंगे कि 1585 में कैपिटल जो है वो चेंज हो गई थी, ठीक है, लाहौर हो गई थी, शिफ्ट कर दिया था। क्यों करा था? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करना था इसीलिए। इन 1648 अंडर द रूल ऑफ शाहजहां द कैपिटल वाज ट्रांसफर टू शाहजहांबाद विद द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद एंड द चांदनी चौक एंड द स्पेशियस होम्स फॉर द नोबिलिटी। 1648 के अंदर शाहजहां ने वापस कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, शाहजहांबाद को कैपिटल कर दिया था, और वहां पर उन्होंने रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, चांदनी चौक और बड़े बड़े घर बनवाए थे नोबल लोगों के लिए। इन मुगल कोर्ट स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल स्पेशल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग। अब मुगल कोर्ट में उस जमाने में क्या एक ट्रेंड चल रहा था, उस जमाने में चल रहा था कि जिसके पास ज्यादा जगह होगी उससे उसका उसका स्टेटस जो है वो माना जाएगा, या कितना वो नजदीक है राजा के वो माना जाएगा। ठीक है, क्या पर्टिकुलर उसने जगह हासिल कर ली है उससे उसका रिलेशनशिप जो है डिफाइन होता था। देन वंस द एम्परर सेट ऑन द थ्रोन नो वन वॉज परमिटेड टू मूव फ्रॉम हिज पोजिशन विदाउट परमिशन। मतलब उसकी अगर एक बार राजा जो है बैठ गया अपने सिंहासन पर तो उसके बाद में वो उठ नहीं सकता था। ठीक है, वो सॉरी उसके उसके आसपास वाले जो है बिना परमिशन के मूव नहीं कर सकते थे। फॉर द जैसे कि आप लोग क्लास में बैठ जाते हैं तो आप टीचर की परमिशन से ही उठते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी चल रहा था उस जमाने में। The forms of salutation to the ruler indicated the personal status in the hierarchy. आप किस तरीके से वो राजा का अभिनंदन कर रहा है, अभिवादन कर रहा है, उसको सलाम कर रहा है, उससे उसका स्टेटस पता पड़ता था। The emperor began his day at the sunrise with the personal religious devotions and then appeared on a small balcony, the झरोखा for the view दर्शन of his subject। और फिर उसके बाद में जो राजा सुबह की शुरुआत करता था अपनी पूजा पाठ से, पर्सनल पूजा पाठ करता था, उसके बाद में वो अपने दर्शन देने के लिए अपनी बालकनी में जाता था जहाँ जिसको बोला जाता था झरोखा, और उसको बोलते थे झरोखा दर्शन, और ये वहां पे जाता था अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए। आफ्टर दैट द एम्परर वॉक टू द पब्लिक हॉल ऑडियंस टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट एंड दैट ऑडियंस हॉल वॉज नोन एज दीवाने आम। अब ये उसके बाद में झरोखा दर्शन के बाद में दीवाने आम में जाकर के अपनी जो बेसिक बिजनेस होता था, अपनी सरकार को किस तरह चलाना है या ऑडियंस की कोई प्रॉब्लम है उसको डील करता था। दीवाने आम, आम से याद रखेंगे आप, आम जनता के लिए बेस था ये वाला। द मुगल किंग सेलिब्रेटेड थ्री मेजर फेस्टिवल्स इन अ ईयर, दैट इज सोलर, द लूनर बर्थडेज ऑफ द मोनार्क एंड नरोज एंड द ईरानियन न्यू ईयर ऑन देयर वर्नल इक्विनॉक्स। अब ये सब जो है ये इनके 3 साल के फेस्टिवल हुआ करते थे जिसमें सोलर और लूनर होता था, बर्थडेज होते थे मोनार्क और नरोज के, और फिर ईरानियन न्यू ईयर जो होता था वर्नल इक्विनॉक्स उस पर वो भी मनाया जाता था। ग्रैंड टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय द मुगल एम्परर्स एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन और आफ्टर अ विक्ट्री। ग्रैंड बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाते थे मुगल एम्परर्स को, या तो वो जीत जाते थे तब, या फिर उनके बच्चों का राज्य अभिषेक होता था तब। ओके, द टाइटल्स लाइक असफ खान मिर्जा राजा वर गिवन टू द नोबल्स। ये टाइटल है असफ खान और मिर्जा राजा जो नोबल्स को दिए जाते थे। व्हेनेवर अ कोर्टियर मीट विद द एम्परर ही हैड टू ऑफर नजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी और पेशकश अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। जब भी कोर्टियर मिलते थे कोर्ट में आकर के एम्परर से तो उनको कुछ अमाउंट में पैसे देने होते थे, और साथ ही साथ उनको छोटे पैसे जब कम अमाउंट देते थे तो उसको नजर बोलते थे, और बड़ा अमाउंट देते थे उसको पेशकश बोलते थे। फिर है मुगल हाउस होल्ड, द टर्म हरम वॉज यूज टू रेफर टू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ मुगल्स।
हरम जो है वो बोला जाता था, जो उनके घर गृहस्थी के घर होता था, जैसे चीज उस दुनिया को बोला जाता था मुगल्स की हरम। इसमें स्पेसिफिकली वेमेन ही रहती थी। द मुगल हाउस होल्ड कंसिस्टेड ऑफ द एम्परर्स वाइफ्स, कॉन्क्यूबाइंस, हिज नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स, मदर, स्टेप फॉस्टर मदर्स, सिस्टर, डॉटर्स, डॉटर इन लॉज, आंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सेट्रा, एंड फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। अब इस हरम के अंदर एम्परर की वाइफ्स रहती थी, कॉन्क्यूबाइंस यानी कि उनकी मिस्ट्रेसेस रहती थी, उनके रिश्तेदार रहते थे, जो रिलेटिव्स के अंदर आते थे वो कौन थे, वो थे उनकी मदर, स्टेप मदर भी हो सकती है, फॉस्टर मदर भी हो सकती है, सिस्टर, डॉटर्स, डॉटर इन लॉज, आंट्स, चिल्ड्रन, ये सब। और उसके साथ ही उनके पास में फीमेल नौकर जो होते हैं वो भी रहते थे, और गुलाम स्लेव्स भी रहते थे। Polygamy was practiced widely by the ruling class. Polygamy जो है वो पूरी तरीके से इन लोगों के द्वारा practice की जाती थी। Can anybody tell me what is the meaning of polygamy? Come on, hurry up. किसी को आता है बोल दो, हाँ नहीं आता बोल दो नहीं आता, टाइम कम है क्योंकि polygamy, हाँ बोलू मैम, बहुविवाह ऐसा कुछ बोलते हैं। ओ मैम, वो पेरेंटियल होते हैं ना मैम, जो मैम अपनी बहू का मैम बहू की शादी करते हैं। ओके रहना बोलो, अब आप बोलो मैम, बहुविवाह। अच्छा ओके, देन पायल क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ हाँ, बहुविवाह ही है जहाँ पर। सॉरी बेटा वापस बोलो, आवाज कट गई आपकी। मैम जैसे वो पेरेंटियल ऐसे फॉलो करते हैं ना, एक तो मदर का वो फॉलो करते हैं, एक पेरेंटियल मतलब जो पापा का होता है वो फॉलो करते हैं वैसे। ओके, पॉलीगैमी का मतलब है बहुविवाह। पॉलीगैमी मींस हाँ, एक आदमी काफी सारी लेडीज से शादी कर रहा है, विमेन से शादी कर रहा है। करेक्ट, यही इसका मीनिंग है। बाकी उन्होंने ट्राई किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट, वेरी गुड। लेकिन इसका मतलब ये होता है बहुविवाह का मतलब, यानी एक विवाह से ज्यादा, ठीक है, कई सारे विवाह जो है ये कर सकते हैं, ठीक है, ये है इसका मतलब। Then both the Rajputs and Mughals took marriage as a way of cementing political relationships and forging alliances. अब राजपूत और मुगल जो थे वो शादी कैसे करते थे, उनका मेन क्या था कि किसी भी राजनीतिक रिश्ते को अगर मजबूत करना है तो उसके लिए वो क्या करते थे, शादियां करते थे, या उनको अपने दोस्ती बढ़ानी होती थी तो उसके लिए कर लेते थे। जैसे कि आपको पता है अकबर और जोधा बाई का विवाह जो है वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि उनको राजनीतिक रिश्ते जो थे वो मजबूत करने थे, ठीक है। After Noorjahan, Mughal queens and princesses began to control significant financial resources. Noorjahan के बाद में कई Mughal queens और princesses जो हुई हैं, उन्होंने कई बार financial resources को control किया है। The Bazaar of Chandni Chowk was designed by Jahanara. Bazaar जो है Chandni Chowk का, वो design किया गया था Jahanara के द्वारा। Gulbadan Begum, daughter of Babur, wrote Humayunnama, which was considered as an important source of Mughal empire. गुलबदन बेगम जो है वो बेटी थी बाबर की, और उन्होंने लिखा था हुमायूं नामा, जिसके अंदर जिसको माना जाता है कि ये इम्पोर्टेंट सोर्स है मुगल एम्पायर के बारे में जानकारी हासिल करने का। ऑफिशियल्स इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अब कितने ऑफिशियल्स रहे हैं। इन मुगल पीरियड द नोबिलिटी वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप। इन अकबर्स इम्पीरियल सर्विस तो रानी ईरानियन नोबल्स प्लेड अ डोमिनेंट रोल। मुगल पीरियड के दौरान कई नोबल लोग जो है उसके अंदर, अब उनको कैसे रिक्रूट किया जाता था, नोबल लोगों को अलग अलग डाइवर्सिटी थी, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, तो वहां से लेकर के इनको रखा जाता था, रिक्रूट किया जाता था। अकबर की जो सर्विस थी उसके अंदर तुरानी और ईरानी नोबल्स जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, डोमिनेंट रोल प्ले किया है। किसी को अभी तक कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बेटा, गुड। Then we have two ruling groups of Indian origin, the Rajputs and the Indian Muslims. Sheikhzadas entered the imperial service from 1560 onwards. अब मुगल पीरियड के बाद में, मतलब मुगल पीरियड के दौरान ही दो रूलिंग ग्रुप जो थे इंडिया के,
इंडियन ओरिजिन के थे, ठीक है, इंडिया में इनका वो हुआ था, वो थे राजपूत और इंडियन मुस्लिम जिनको शेखजादा कहते हैं, वो भी इस इम्पीरियल मुगल की जो इम्पीरियल सर्विसेज थी उसके अंदर उनको भी इंक्लूड करना शुरू किया था 1560 से। द एम्परर पर्सनली रिव्यू चेंजेस इन रैंक टाइटल्स एंड ऑफिशियल पोस्टिंग्स। जो एम्परर थे वो ऊपर के जो रैंक टाइटल्स और ऑफिशियल पोस्टिंग होती थी उसको पर्सनली रिव्यू करते थे कि कहाँ पे किसको पोस्ट करना है, किसको क्या टाइटल देना है, ये सब। अकबर डिजाइन मनसाब सिस्टम विच एस्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स विद अ सिलेक्ट बैंड ऑफ हिज नोबिलिटी बाय ट्रीटिंग देम एज हिज डिसिपल्स। अब अकबर ने ही डिजाइन किया था मनसाब सिस्टम, इसके अंदर उन्होंने एक एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आध्यात्मिक रिश्ता जो है उसको चुना था, एस्टैब्लिश किया था कुछ नोबल लोगों के साथ में, ठीक है, जिनको वो ट्रीट करते थे एज अ डिसाइपल्स, यानी कि अपने शिष्य के तौर पर, अपने उनके फॉलोअर्स के तौर पर। डिसाइपल्स का मतलब वैसे तो शिष्य होता है, अपने मुरीद कह सकते हैं एक तरीके से। उस हिसाब से सम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स वर मीर बख्शी। अब जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे उनमें थे मीर बख्शी, ये पे मास्टर थे जनरल के, दीवाने आला फाइनेंस मिनिस्टर थे, सदर मिनिस्टर थे ऑफ ग्रैंड्स एंड इंचार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस और काजीज। ये लोकल जजेस को अपॉइंट करते थे और काजीज को अपॉइंट करते थे, etc. The keeping of exact and detailed rewards for a major concern of Mughal administration, और ये exact record भी रखते थे rewards किस किस को देने हैं Mughal administration के अंदर उन चीजों को। मीर बख्शी supervised the corps of court writers who recorded all the applications and documents of courts। मीर बख्शी का काम था, जो paymaster थे जनरल के वो भी थे और उनका काम था, ये supervise करते थे सारे court writers को कि क्या एप्लीकेशन, मतलब किस चीज को रिकॉर्ड करना है, किसका डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, उन सब चीजों को, क्योंकि उस जमाने में भी रिकॉर्ड्स तो रखे जाते थे। Then new reports and important official documents travel across the Mughal Empire by imperial post, which included round the clock relays of foot runners, qasid and pathmar, carried papers rolled up in bamboo containers। अब आपको जैसे कि पता है पहले के जमाने में messengers हुआ करते थे, उसी जमाने में भी messengers जो होते थे उनको बोलते थे कासिद या पथमार, और ये papers जो roll करके bamboo के बने हुए, bamboo जो होता है उसके बने हुए containers में लेकर के एक जगह से दूसरी जगह move किया करते थे, travel किया करते थे मुगल empire में, messages ट्रेवल कर इनके द्वारा करता था। The division of the functions established at the center was replicated in the provinces। अब जो डिवीजन है किस तरह के फंक्शंस करवाने वो सूबास के अंदर डिवाइडेड था। The local administrator was looked after the level of Pargana by three semi hereditary officers, the Quango keeper of the revenue records, the Chaudhary in charge of revenue collection and the Qazi। मैंने आपको बताया था लोकल लेवल पर Pargana कहते थे, वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड था, तीन ऑफिसर्स थे उसके अंदर, पहला रेवेन्यू रिकॉर्ड रखने वाला कानूनगो और दूसरा था चौधरी जो इंचार्ज था रेवेन्यू कलेक्शन का, और फिर थर्ड होते थे काजी यानी लोकल जज। पर्शियन लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, पूरे थ्रू आउट एडमिनिस्ट्रेशन में यही लैंग्वेज यूज होती थी, बट लोकल लैंग्वेजेस थी उनमें वो भी यूज की जाती थी विलेज अकाउंट्स पे, यानी कि विलेज गांव के अंदर लोकल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करते थे। देन फिर जेसुइट मिशंस एंड मुगल कोर्ट। मूव कर गया, एक मिनट। मुगल एम्परर्स अस्यूम्ड मेनी टाइटल्स लाइक शहंशाह, जहांगीर, शाहजहां, एक्सेट्रा। मुगल एम्परर्स को कई सारे टाइटल्स दिए गए, शहंशाह, जहांगीर, शाहजहां, एक्सेट्रा। All conquerors who sought to make their way into the Indian subcontinental had to cross the Hindu Kush mountains. Thus, the Mughal tried to ward off their potential danger and try to control Kabul and Kandahar. जैसे कि हमने पढ़ा था, काबुल और कंधार जो है वो मेन जगह हुआ करती थी, इसलिए वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे मुगल्स उसको, क्योंकि वहां से हिंदुकुश माउंटेन पड़ती थी, जिसको अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हिंदुकुश माउंटेन से एंटर होना होता था, उसको क्रॉस करके, और वहीं पे ये काबुल और कंधार आते थे, इसीलिए ये लोग इसको कंट्रोल करते थे, जिससे कोई भी पोटेंशियल खतरा जो है उसको ये रोक सके, कोई हमला कर सके तो उसको पहले ही रोक दें। यूरोप गॉट नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू अकाउंट्स ऑफ जेसुइट मिशनरीज, ट्रेवलर्स एंड मर्चेंट्स एंड डिप्लोमेट्स। यूरोप को नॉलेज हुई इंडिया के बारे में किनके द्वारा? जेसुइट मिशनरीज, ट्रेवलर्स और मर्चेंट्स और डिप्लोमेट्स जो आए थे उनके द्वारा। अकबर वॉज क्यूरियस अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड द फर्स्ट जेसुइट मिशन रीच्ड द मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सीकरी इन 1580। अकबर जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस थे जानने के लिए क्रिश्चियनिटी के बारे में, और पहला जेसुइट मिशन जो है मुगल कोर्ट में वो पहुंचा था फतेहपुर सीकरी में 1580 के दौरान।
The Jesuit accounts are based on personal observations and shed light on the character and the mind of the emperor. Jesuit accounts जो है उन्होंने personal observation किया, मतलब personal चीजें जानी, ठीक है, और character और emperor के mind के बारे में उन्होंने चीजें लिखी. Then अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजन, रिलीजन्स को लेकर के बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते थे. अकबर्स क्वेस्ट फॉर रिलीजन्स नॉलेज लेड टू इंटरफेथ डिबेट्स इन द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी बिटवीन लर्न मुस्लिम्स हिंदूज जैन पारसीज एंड क्रिश्चियंस. अकबर बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते थे सारे धर्मों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, साथ साथ वो इनके डिबेट भी करवाते थे. और ये सब काम इबादत खाना में होता था जो कि फतेहपुर सीकरी में था. यहाँ पर पढ़े लिखे स्कॉलर्स आते थे, मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, जैन हो, पारसीज और क्रिश्चियंस हो. इंक्रीजिंगली अकबर मूव्ड अवे फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलीजन्स टुवर्ड्स अ सेल्फ कंसीव्ड एक्लेक्टिक फॉर्म ऑफ डिवाइन वर्कशिप फोकस्ड ऑन लाइट एंड सन. अब यहाँ पर अकबर जो है वो पुराने जो तौर तरीके ऑर्थोडॉक्स तरीके थे, पुरानी सोच वाले रूढ़ीवादी तरीके थे, इस्लामिक तरीके थे जिसमें वो दूसरे धर्मों को समझा करते थे, उनको पीछे छोड़ते जा रहे थे और ये सब खुद सेल्फ ऑब्जर्व करके समझ करके एक नया तरीका जो है वो अपना रहे थे जो बेस था लाइट और सन पर. अकबर एंड अबुल फजल ट्राई टू क्रिएट अ फिलोसफी ऑफ लाइट एंड यूज इट टू शेप द इमेज ऑफ किंग एंड आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट. किंग वाज अ डिवाइनली इंस्पायर्ड इंडिविजुअल हु हैड सुप्रीम सोवरेनिटी ओवर हिज पीपल एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज एनिमीज. अकबर और अबुल फजल जो थे उन्होंने एक इस तरह की फिलोसफी क्रिएट की थी रोशनी को लेकर के, जहां पर वो एक इमेज बना रहे थे राजा की और उसकी विचारधारा की स्टेट को लेकर के. अब राजा जो है उसको एक डिवाइन चीज की तरह देखा जाता था कि वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करेगा अपने आचरण से, अपने करेक्टर से, लोगों को, अपने सब्जेक्ट्स यानी प्रजा को, और उनको इसी तरीके से कंट्रोल करेगा और अपने एनिमीज को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो एक भगवान जैसे अल्लाह का भेजा हुआ एक दूत है जो मैसेंजर है जो आपको गाइड करने के लिए भेजा गया कि कैसे आप अध्यात्म की तरह बढ़ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं. उस तरीके से विचारधारा इन्होंने सेट करी थी. With these liberal ideas, the Mughal rulers could effectively control the heterogeneous population of Indian subcontinent for a century and a half. इसी तरह के liberal ideas से Mughal rulers ने पूरी तरीके से इतनी जो अलग अलग तरह के division में लोग रह रहे थे उनको control करा है डेढ़ century तक, ठीक है, one and half century तक. किसी को अभी तक कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हैं. No, ma'am, it is clear. ओके, तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप ये इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं और टाइमलाइन जो है वो पढ़ेंगे इसकी, और कल मैं आपकी फाइनल से पूछ लूंगी कि आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है. अब ओके मैम, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल.